नमस्कार दोस्तों, यवन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट बजट मिनी डीजे बेस सेटअप के बारे में। तो बेस के लिए जो भी 59,000 के से 60,000 के अंदर आपको मिल जाएगी ये, तो क्या क्या रहेगा इसके अंदर और कैसे आप इसको सेटिंग करेंगे, पूरी बात करेंगे इस वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छा लगा जो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं बेस्ट बजट मिनी डीजे बेस सेटअप के लिए क्या क्या चाहिए। तो बेस सेटअप है ये, बस इसमें आपके टॉप्स नहीं है, ये बस बेस है। तो आप सबसे कम बजट में कैसे बना सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए हमने लिया है आहूजा की SWX 650 वाट की सिंगल जो स्पीकर है, 18 इंच की बेस स्पीकर, जो कि आप देख सकते हैं 650 वाट की 8 ओम की एक स्पीकर। इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ तो इसीलिए ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताएंगे। अच्छा खासा एक छोटा, सबसे छोटा 650 वाट का बहुत अच्छा सबूपर है। तो ऐसे इस टाइप का दो हम लेके चलेंगे। तो ये करीबन आपको 14 से 15 हज़ार एक का पड़ता है, तो दोनों का आपको 28 से 30 हज़ार दोनों मिलके आ जाएंगे। तो ये एक पार्ट हो गया। तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ये चाहिए तो। चलिए हम बाद में बात करें। इसके साथ हम जो एम्पलीफायर लेके जाएंगे तो उसके लिए ऐसे दो अगर आप बेस लेके चले, 18 इंच की दो बेस अगर लेके चले 650 वाट की, तो आपके लिए आपको चाहिए होगा UBA 1300 पावर एम्पलीफायर जो कि आहूजा की ओर से है। तो ये तो आप देख सकते हैं, इसमें UBA 1300 बहुत अच्छा एम्पलीफायर है, जो कि आप उसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन देखिए, पावर आउटपुट इसे 1650 वाट RMS मैक्सिमम देता है, 1300 वाट RMS है 10% THD पे। तो देखिए इसमें आपको 650 वाट की दो आराम से आप चला सकते हैं 4 ओम पे, क्योंकि ये 650 वाट एक 8 ओम का होता है। तो दो मिलेंगे तो आप पैरेलल करेंगे तो आपका आ जाएगी 1300 वाट 8 4 ओम पे। तो आप आराम से इसकी 4 ओम जो कॉमन और 4 ओम पोर्ट पे ये दोनों बॉक्स को पैरेलल करके आराम से चला सकते हो और आपकी जो बजट बेस है आराम से चल जाएगी। इतने में आपकी बेस की जो पार्ट है वो बजट में आराम से हो जाएगी। और इसकी भी जो कीमत आएगी वो भी अप्रोक्सीमेटली वही 28 से 30-31 ऐसे आता है। ये UBA 1300 जो एम्पलीफायर है, ये एक अच्छा एम्पलीफायर है, क्योंकि अब देखिए इसके जो आप देखेंगे, ये जो UBA 1300 बहुत अच्छा पावर एम्पलीफायर है। इसमें देखिए यहाँ पे एक सबवूफर और नॉर्मल स्विच है, इसमें आप टॉप भी चला सकते हो, बेस भी चला सकते हो। अगर आप इस यहाँ पे नॉर्मल मोड पे इसको रखते हैं तो ये आपकी 2A 3A जो स्पीकर्स होते हैं वो सब आराम से चल पाएंगे नॉर्मल मोड पे। टॉप मतलब आपकी यहाँ पे इसमें UBA 1300 में चल पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे इसको सबवूफर मोड पे कर देते हैं तो इसमें आप बेस चला सकते हैं। तो बेस जब 650 वाट की दो बेस आप चलाएंगे तो आपका काम है इसको सबवूफर मोड पे रखेंगे, ताकि आपका क्या होगा, आपकी लो पास जो फिल्टर रहेगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। इस लो पास मतलब होता है बेस, तो लो फ्रीक्वेंसी पास करेगी, मतलब इसमें बेस बजेगी 150 हर्ट्ज की आफ्टर जो होगी वो कटअप हो जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छा बेस इसमें लगेगी और आपको कोई एक्सटर्नल इसको क्रॉसओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप सबवूफर मोड ऑन करेंगे तो आपकी जो ट्रिबल और बेस की जो कंट्रोल होगी वो सब बाईपास हो जाएगी, इसमें जो बेस और ट्रिबल ये दोनों बाईपास हो जाएगी। तो आप वो चीज़ पे ध्यान पे रखिए और ये बहुत अच्छा रहेगा। तो ये दोनों मिला के आपको अप्रोक्सीमेटली 59,000 की करीबन आएगी। ऐसे दो आप 650 SWS 650 की बेस और उसके साथ आहूजा UBA 1300 कॉम्बिनेशन बहुत मस्त है। ये आपका मिनी डीजे बेस सेटअप के लिए, बेस के लिए बात कर रहा हूँ, टॉप के लिए नहीं है, ये बेस के लिए सेटअप है। बजट में आप इतने बजट में इतना ही कर पाओगे, इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा खासा आहूजा की अगर आप लेके चलेंगे तो इतनी बेस इतनी बजट में आपको मिल जाएगी। तो अगर ये सेटअप चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हो या नहीं तो आप डीलर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, जिन जिन को चाहिए वो थोड़ा कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए। मैं चाहता हूँ, देखिए देखते हैं कितने लोग इसको इस सेटअप को लेना चाहते हैं। तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स से कॉमेंट करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। अगर ये सेटअप आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।